और फर्स्ट सेटिंग इज़ हाउ टू क्लोज ऑल द सफारी टैब। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होने वाला है। तो जब भी आप सफारी में कुछ भी ओपन करते हैं तो आपके बहुत सारे टैब्स ओपन हो जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे इसमें मेरे कुछ 5 टैब्स हैं। तो इन 5 टैब्स हैं तो इनको मैं एक साथ क्लोज करने के लिए आपको एक शॉर्टकट की बताऊँगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। यू ओनली नीड टू क्लिक and press here and here you will get first option close all 5 tab. When you click here it will ask do you want to close all 5, then you can say yes. और आप देखेंगे कि आपके सारे ही सफारी के जो टैब्स थे वो क्लोज हो चुके हैं। जो हमारी दूसरी ट्रिक है वह है क्लिक ऑन टाइम टू गो इन द टॉप। तो जब भी आप फ़ोटोज़ में होते हैं, फ़ोटोज़ में आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे एल्बम होते हैं। ये मानिए आपका एक एल्बम है और इसमें आप सबसे टॉप में जाना चाहते हैं, तो इसमें जाने के लिए आपको टाइम के ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप टाइम में क्लिक करेंगे तो ये आपका सबसे पहला जो फ़ोटो होगा उस पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक इज़ Save as PDF all Safari. तो मान लीजिए आपने एक सफारी का पेज ओपन किया हुआ है। ये मैं एक पेज ओपन करता हूँ और इसमें आप देखते हैं ये सारा कुछ है। तो PDF बनाने के लिए सिंपली यू नीड टू गो हेयर। हेयर यू विल गेट वन स्मॉल ऑप्शन। हेयर इज ऑप्शन, देन यू कैन क्लिक इन द PDF, देन डन। और जब आप ये करेंगे उसके बाद ये पूछेगा आपसे कि आप क्या करना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं या WhatsApp में करना चाहते हैं या AirDrop में करना चाहते हैं। तो आप यदि इसको सेव टू फाइल्स करेंगे तो यहाँ पर मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उन फोल्डर्स में जाकर यह सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने मेरा एक फोल्डर है iCloud ड्राइव का डॉक्स के नाम से, तो मैं यहाँ पर डॉक्स में सेव कर दूँगा। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर यह सेव हो जाएगा। अब हम लोग फाइल्स में जाकर देखेंगे। तो ये मेरा फाइल्स का फोल्डर है जो मैंने फ्रंट में सेव कर रखा है। यहाँ पर ये मैंने रिसेंट जो अभी पेज ओपन किया था सेम एज इट इज़ पूरा का पूरा PDF बड़ी हाई क्वालिटी में सेव हो चुका है। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 में, जो कि है डिलीट इन द कैलकुलेटर। तो जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आईफोन के अंदर तो आपका बहुत सारे नंबर्स हैं, और यदि आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो आप सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि 1 by 1 यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा कोई बटन नहीं है यहाँ पर। तो आप इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट से। तो आप ये ऐसे राइट और लेफ़्ट करके कर सकते हैं। ये दोनों ही साइड से काम करता है, आप राइट टाइप करके भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की है। इसके अलावा 6 नंबर की जो हमारी शॉर्टकट है वह है स्वाइप लेफ्ट टू सी द कैमरा। तो जब भी आपका फ़ोन लॉक होता है तो उस लॉक फ़ोन को यदि आपको कैमरा करना है तो आपको कोई भी कहीं पर कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यदि स्वाइप लेफ़्ट करेंगे तो आप कैमरा एक्सेस कर पाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे ये मैं अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जब भी स्वाइप लेफ़्ट करेंगे तो आप उस कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। ये 7 नंबर की ट्रिक है डू नॉट डिस्टर्ब। ये अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। जब भी आप नाइट में सोते हैं तो बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स आते हैं, तो आप उन अनवांटेड कॉल्स को रोकने के लिए आप इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब,
ये डू नॉट डिस्टर्ब में आप जाके यहाँ से यदि आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें आपको शेड्यूल सेट कर सकते हैं आप, जैसा कि आप चाहते हैं पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम के बीच काम, जैसे आप 9 PM टू 9 AM कर सकते हैं, या आप चाहें तो 10 PM टू 9 AM कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज कर सकते हैं, फिर आप डे भी चूज कर सकते हैं। और ये आप यदि बाद में इसका डिलीट ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस डू नॉट डिस्टर्ब का फंक्शन में आपके कॉल्स ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाते हैं, कोई भी कॉल्स नहीं आते हैं आपको इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में। लेकिन यदि कोई आपके फेवरेट में नंबर हैं, वो फेवरेट पर्सन्स के कॉल्स आपको आते रहते हैं, और सेकेंड यदि कोई पर्सन आपको 2 times कॉल बैक टू बैक करता है तो वह भी आपको रिफ्लेक्ट होता है, एल्स सारे ही कॉल्स आपके रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये थे हमारे ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 8 है क्लोज ऑल द ऐप्स बाय मल्टीपल फिंगर। तो आप देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐप्स ऐसे ओपन रहते हैं और ये एक 1 by 1 क्लोज करने में बहुत सारा टाइम वेस्टेज जाता है। तो आप इसको एक साथ क्लोज करने के लिए आप मल्टीपल फिंगर्स यूज़ करेंगे, ऐसे मल्टीपल फिंगर्स लें और ऐसे क्लोज करें। मल्टीपल फिंगर्स आप स्क्रीन के ऊपर रन करें फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो आपके सारे जितने भी मल्टीपल ऐप्स ओपन हैं वो सारे 1 by 1 क्लोज होते जाएंगे, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 9 है क्लीन कटर ऑन वेब पेजेस। तो जब भी आप कोई सफारी ओपन करते हैं, ये मैंने सफारी ओपन किया है और अभी मेरे को इसको, इसमें आप देखेंगे मैं यदि आर्टिकल रीड करता हूँ तो बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारे अनवांटेड थिंग्स हैं जो मैं नहीं चाहता कि मेरे को पढ़ने के टाइम पे डिस्टर्बेंस हो। तो मैं इसके लिए सिंपल इस जगह पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सो द रीडर व्यू ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, इस रीडर व्यू में चला गया। रीडर व्यू में देखेंगे कि सारे एड्स हट जाते हैं। अभी इस रीडर व्यू के अंदर और भी सारी सेटिंग्स हैं, मैं यदि इसको डार्क मोड में करना चाहता हूँ डार्क मोड में कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, ये सारी सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 10 इज़ वेरी वेरी सिंपल। जब भी आप कुछ रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत ही सिंपल शॉर्टकट की है आईफोन के अंदर, दैट इज़ वॉल्यूम अप एंड पावर। तो आप ये ऐसे स्क्रीनशॉट मनचाहे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपके ऑटोमेटिक सेव होंगे फोटोज़ के अंदर, और यहाँ पर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। जो हमारी ट्रिक है 11 नंबर्स, वो है सीरी की। सीरी जानते हैं आईफोन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपको कॉल्स लगाने में हेल्प करेगी, मैसेज करने में, इसके अलावा आप नोट्स सेव कर सकते हैं, कैमरा में आप सीरी से जो भी आईफोन से रिलेटेड टास्क हैं वो करा सकते हैं। तो आप सीरी का यूज़ करें और मन चाहे फंक्शंस को आप ऑपरेट करें। नेक्स्ट ट्रिक है हाइड द फोटो। आपको यदि कोई फोटो है, आप देखेंगे फोटो के अंदर एल्बम बना हुआ हिडन का, तो ये हिडन के अंदर आकर ये सेव हो गई है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये एल्बम हिडन ऐसा कुछ मेरे फोल्डर में दिखे, तो इसके लिए आपको सिंपल जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में गए, सेटिंग में आपको फोटो सर्च करना है, फोटो, ये फोटो है, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा हिडन एल्बम। तो आपको यहाँ से यहाँ से आप देखेंगे कि हिडन का फोल्डर हाइड हो चुका है।
आपको फिर से फोल्डर चाहिए तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपको सेटिंग के अंदर जाना है, सेटिंग में आप सर्च करेंगे फोटो, फोटो, इसके बाद ये हिडन एल्बम को ऑन करेंगे। जब ऑन होगा तो आपका यह रिफ्लेक्ट होने लगेगा फोटो फोल्डर के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे हिडन का फोल्डर आ चुका है। ये जो हमारी अगली ट्रिक है मेक अ की फोटो, तो आप देखेंगे कि आप जब भी फोटो के अंदर जाते हैं तो आपके बहुत सारे एल्बम्स होते हैं, ये अलग अलग एल्बम्स हैं मेरे। आप इन एल्बम्स में, जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे मेरी 13 फोटोज़ हैं, 13 फोटो में जो मेरी पहली वाली फ़ोटो है वह की फ़ोटो है, वह सामने दिखती है, लेकिन मैं इस की फ़ोटो को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी की फ़ोटो जो है यह सेकेंड लास्ट नंबर की फ़ोटो बन जाए, तो मैं इसको प्रेस करके रखना है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मेक अ की फ़ोटो, या मैंने मेक अ की फ़ोटो, तो आप देखेंगे ये मेरा जो फोल्डर है उसकी मेक अ की फ़ोटो बन चुकी है। जो ट्रिक नंबर 14 है उसमें आप यदि कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम एज़ यूट्यूब एंड अदर मैसेजिंग वेबसाइट्स, आप सिंपली यहाँ पर बोल के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करेंगा हाय हाउ आर यू, तो आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली इसमें रिटर्न हो जाता है हाय हाउ आर यू। आप ऐसा कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वेयर आई एम नाउ, तो आप ये सर्च करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। जो अगली ट्रिक है वह है नोट्स। नोट्स आप जानते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आज के टाइम पे, तो नोट्स का ये शॉर्टकट की इनबल्ट होता है। आप इस नोट्स पे क्लिक करेंगे, नोट्स में जाने के बाद आपको, जैसे ये मेरे अलग अलग फोल्डर्स हैं, यदि आप कुछ न्यू बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप जो भी चाहें वह लिख सकते हैं, जो भी लिख चाहें लिख सकते हैं। इसको डन करेंगे सेव हो जाएगा। आप यदि मल्टीपल फोल्डर्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, न्यू फोल्डर है, स्मार्ट फोल्डर है, आप अलग अलग फोल्डर को वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो ये था हमारा आईफोन का ट्रिक एंड टिप्स, होप ये आपको पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।